बी रिच. ओके थैंक यू. समझी प्रीति दीदी क्या बोले हम? सुना तुमने? हाँ सुने. इसकी तो मैं शादी जापानी से कराऊंगा किसी. बोलो ये डैमी किस मर्द से बात कर रही है बाबा के पीठ पीछे? से बाय बाय, डोंट क्राई, इट्स ओके. तो पंगा हो गया एक. ये मेरी आवाज़ सुन के तुम लोगों को ऑलरेडी दिख गया होगा कितनी तबीयत खराब है मेरी. बाय द वे हैप्पी बर्थडे टू मी. हैप्पी बर्थडे टू यू. मेरी आवाज़ ज़्यादा चेंज हो गई क्या? यो बट काइंड ऑफ सेक्सी है. जीने के लिए. बाकी बर्थडे आज बड़ा अजीब स्टार्ट हुआ है, तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है. पर ब्लॉक तो करना ही पड़ेगा. Happy birthday to Papa and me. Happy birthday, Papa. Thank you. Happy birthday. Happy birthday to you. Khapun ka. Lui ling ling nata. Translation now. Good luck and be rich. Be rich. Okay. Thank you. That's unique blessing. Be rich. That's for you. You say that. For wealth. Huh? Happy birthday. इन लोगों का प्लान ये है कि ये लोग एशियाटिक जा रहे हैं, प्रीति को कुछ रिश्तेदारों के लिए, मम्मी औरों के लिए कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है. और इससे बढ़िया बहाना क्या हो सकता है शॉपिंग पे नहीं जाने का? थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा, वो घूर रही है मुझे उधर से. और मेरे को थोड़ा रेस्ट करना भी पड़ेगा यार, ज़रूरी है. और आज रात को लाइव स्ट्रीम भी रख रखी है मैंने, जिसमें बाबा केक काटेगा. अब इन पर डिपेंड करता है कौन सा केक लेके आते हैं लोग. मैं थोड़ा तेज इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे ये सुन ले और केक ले आए मेरे लिए. समझी प्रीति दीदी क्या बोले हम? सुना तुमने? हाँ सुने. केक लेके आना, केक लेके आना. प्रीति कैन यू हेयर मी नाउ? इसको है ना, जब उसने मुझसे कार्ड मांगा था ना अपार्टमेंट घुसने से पहले, तभी पूछ लेना चाहिए केक लाएगी नहीं लाएगी. वहाँ पे करती ना सुनाई नहीं दे रहा, तो मैं भी बोलता हूँ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा. अंतर आ जाते उसको बाहर ही छोड़ के आ जाते. डैमी और प्रीति दीदी गए हुए हैं शॉपिंग पे, तो मैं सोच रहा हूँ जब तक वो शॉपिंग से आते तो मैं जिम विम कर लेता हूँ, क्योंकि जब से प्रीति दीदी आई है तब से जिम. पता नहीं क्यों मुझे आजकल बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं होती है बर्थडे की. तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? क्योंकि मे बी शायद मैं अपने लेट 20s में हूँ, वो चले गया अब टाइम. बचपन में कितना एक्साइटमेंट होता था, नए कपड़े पहनते थे, टॉफी खरीदते थे, स्कूल जाते थे और अपने दोस्तों को क्लास में से बांटते थे एक एक के पास जाके, और इतना एक्साइटमेंट होता. अब तो मन ही नहीं करता बिल्कुल. तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि अब तुम्हारे को फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा बर्थडे है नहीं? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है. बाकी मैं निकलता हूँ जिम, तुम लोग लाइक बटन दबा दो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो. सॉरी गाइज, आज का व्लॉग बिल्कुल स्लो बन रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं. उसका रीज़न तुम्हें पता है, मेरी हालत बैंड बजी पड़ी है मेरी. अभी थोड़ी देर पहले तो हम लोगों का फाइनल हो गया था कि रूम पे ही ऑर्डर कराएंगे, पिज़्ज़ा करा देंगे. फिर पिज़्ज़ा आता वो मेरे गले के लिए और ख़राब है, और ये लोग खाते तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं रहता, क्योंकि मैं सामने पिज़्ज़ा देखूँ खाऊना ऐसा हो नहीं सकता. तो हमने डिसाइड किया कि चल ही लेते हैं फाइनली पास ही कोई रेस्टोरेंट में. तो मेरा तो बड़ा मन था इंडियन फूड पेलने का, पर हमारी कोई सुनता नहीं है. बर्थडे के दिन भी कोई नहीं सुना, और हम जा रहे हैं जापानीज़ फूड खाने, क्योंकि प्रीति दीदी को भी इंडियन फूड नहीं खाना है. उसको अच्छा खासा गैप शेयर था, जो उसको मिल गया है वो इंडिया जाके ही वापस खाएगी. बोल रही है उसका वेट लूज़ हो रहा है. और ये लड़की हमारी डैमी, इसकी तो मैं शादी जापानीज़ से कराऊँगा किसी. जापानी फूड दे दो इसको, और कुछ नहीं चाहिए भैया. एक जापानीज रेस्टोरेंट तो क्लोज है, अगर दूसरा वाला भी क्लोज हुआ ना, वी आर गोइंग टू ईट इंडियन देन. इट इज क्लोज भाई. मेरी अभी ऐसी दुर्दशा हो रखी है ना, इतना थकेला हो रखा है तुम्हारा बाबा अभी, कि मुझे डैमी जैसी भी पेल सकती है अभी. पट उठा के धोबी पछाड़ मार दे. It's open? Yes. So no Indian food? No. Fuck. Acting. लग गया हैंगर इसका. देख रही है? Japanese menu देखते ही लग जाता है इसका हैंगर. न्यू नाक भरी है. ओके भाई, एक बार क्लियर कर लेना. तो भैया सारी चीजें हो चुकी हैं सेट, बॉक्सेस भर चुके हैं,
अटेजियां भर चुकी हैं, प्लेस्टेशन और टीवी कल सुबह निकालेंगे, बाकी सब कुछ लगभग सब कुछ पैक हो ही गया है। किचन एरिया पैक करना बाकी हम लोगों का। टीवी निकालने के लिए मैं नहीं निकाल सकता, वो नीचे से कोई इनका स्टाफ मेंबर आएगा जो निकलवाएगा, ऊपर अच्छी तरह वो माउंट हो रखा है तो रिस्क नहीं ले सकते। बाकी भैया इट्स आर फाइनल डे इन दिस अपार्टमेंट डेमी, हाउ आर यू फीलिंग? यू गोना मिस दिस अपार्टमेंट? स्पेशली द व्यू आई एम गोना मिस, स्पेशली दिस लवली व्यू आई एम गोना मिस, वी गोना मिस। और हाँ, ज़्यादा व्लॉग नहीं कर सकता, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो कल रात को मैं एडिटिंग कर रहा था काफ़ी लेट तक, तो मैं अभी लेट उठा और मैं उठा इस तरह कि मुझे एक मर्द की आवाज़ आई और साथ में थी डैमी की आवाज़ भी, और मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैं एकदम नींद में था ना, एकदम ऐसे आंखें बंद थी और मुझे आवाज़ आ रही थी बीच में। ऐसे नहीं होता सो रहे होते हैं अच्छी नींद में और एकदम से आवाज़ आती है, तो मर्द प्लस डैमी की आवाज़ आ रही थी। बोले ये डैमी किस मर्द से बात कर रही है बाबा के पीठ पीछे? बाबा से धोखा? मैंने आंखें खोली, खड़ा हुआ, मतलब मैं खड़ा हुआ, मतलब देखा सामने अंकल जी टीवी उतार रहे हैं, उनकी आवाज़ थी, फिर सो गया मैं। और अब लिटरली खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि निकलना है इस अपार्टमेंट से। बड़ा ब्यूटीफुल अपार्टमेंट। सबसे ज़्यादा फट रही थी मेरी इसको पैक करने में वहाँ से उतार के, पर दोनों अंकल जी ने बढ़िया साथ दिया और मस्त पैक हो गया। प्ले स्टेशन भी हमारा पैक हो चुका है बुरा कोने पर। प्ले स्टेशन को मैं डैमी के पापा की कार में प्यार से ले जाऊंगा, वो ऐसी चीज नहीं है जैसे डैमी ट्रक में आ जाए, पर प्ले स्टेशन कार में आना चाहिए, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। What? So we ask for the big trolley. This is what they give. तो इसमें मैं अपना टीवी ले जाऊंगा चाहते हैं। Yeah, I said the one with railing. I mean, ये ट्रॉली मंगाई थी और लाई क्या थी वो इतना सा। तो कितने सारे बॉक्स जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सारा अपार्टमेंट खाली हो चुका है, टीवी उतर चुका है, प्ले स्टेशन नीचे जा चुका है, ये चीज़ें थोड़ी बहुत रह गई हैं, ये भी जल्दी नीचे चले जाएंगी। अब तुम्हारा बाबा वेट कर रहा है ओनर का और एजेंट आएगा उसके साथ, वो लोग चेक करेंगे क्या डैमेज हुआ है नहीं हुआ है, और उसमें बकचोदी होगी मुझे पता है थोड़ा, जैसे कि तुम्हें मैंने पिछले अपने पहले व्लॉग में बताया था कि पंगे हो गए थे लैंडलॉर्ड के साथ, तो वो पंगा होना है, तो उनका वेट करते हैं, फिर निकलेंगे अपने नए घर में, डैमी के नए घर में। इट्स ओके, बाय बाय, डोंट क्राई, इट्स ओके। ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट फ्लोर से नीचे आना पड़ेगा खाना लेने के लिए डैमी के घर पे, कम से कम 39th फ्लोर से वी डोंट हैव टू कम डाउन टू गेट द फूड, डैमी दैट विल बी अ रिलीफ एट लीस्ट। हमेशा लड़ते हैं कि तू जा लेने, तू जा। प्ले स्टेशन जाएगा कार में फर्स्ट क्लास, ट्रक में नहीं भेजूंगा प्ले स्टेशन को, जैसे जगह कम पड़ जाए। कैन यू ओपन द डिग्गी? साइकिल्स, हाँ यार साइकिल ले जाना तो भूल ही गए, साइकिल भी ले जानी है, दो साइकिल है, एकदम से सामने दिखी मुझे खड़ी हुई इसलिए भूल जाते हैं अभी। प्ले स्टेशन जाएगा फर्स्ट क्लास, तो पंगा हो गया एक, वो तुम लोगों को मैं बताता हूँ। तो हुआ क्या कि आज 19 तारीख को हम लोगों का निकलने का था, हमने ऑलरेडी बता दिया था ओनर को और एजेंट को दोनों को। सुबह कॉल आता है ओनर का कि उसके पास टाइम नहीं है, आज वो नहीं आ पाएगी, तुम लोग आज मूव आउट मत करना क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल ओनर शुड बी देयर व्हेन वी मूव आउट, दैट्स द रूल राइट अकॉर्डिंग टू हर। तो हमने बोला कि तूने एंड में एकदम से प्लान कैंसिल किया, हमने तुझे एडवांस में बता रखा था और हमने ऑलरेडी ट्रक मंगा लिया, सामान पूरा नीचे जा चुका है, अब कैसे मूव आउट नहीं करें? तो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, फिर हमने ऑब्वियसली मैं तो करने वाला था नहीं वापस से कि सामान बाद में रखूँ वापस, हम लोग नहीं मूव आउट तो हम आज कर ही रहे हैं और 23 तारीख को वापस आ सकते हैं क्योंकि 23 तारीख को हमारा 23 जुलाई इस महीने 4 दिन बाद फाइनल हमारा लास्ट दिन था कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। तो उस दिन वो 11 बजे की मीटिंग बिठाई है, जब लोग ये लोग आएंगे, एजेंट आएगा, ओनर आएंगे, तब फाइनल ये लोग पूरा चेक करेंगे। पर उसमें भी उसको तसल्ली नहीं मिलती है, वो बोलते हैं चलो तुम मूव आउट कर ही रहे हो तो तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग देख लेंगे जो भी डैमेज हो रखा है और उस अकॉर्डिंग सिक्योरिटी मनी काट के हम तुम लोगों को ट्रांसफ़र कर देंगे विद इन अ मंथ, उस दिन भी नहीं विद इन अ मंथ। तो मैंने बोला पहली बात तो मैं तुम्हें अकेले तो चेक करने दूंगा नहीं क्योंकि तो क्या भरोसा, मैंने बोला नहीं ऐसा पर क्या भरोसा वो कुछ डैमेज कर दें और बोल दें देखो डैमेज था। तो मैंने बोला 23 तारीख को हम लोग आ रहे हैं क्योंकि सैटरडे है, छुट्टी है, तो हमारे सामने सब कुछ चेक करना कि क्या डैमेज हुआ है नहीं हुआ है, उसके बाद जो भी कटेगा वटेगा वो सिक्योरिटी मनी में से काट कर हम लोगों को दे देना। सिक्योरिटी मनी हमें 23 तारीख को भी नहीं मिलेगी, उसको विद इन अ मंथ मिलेगी, वो बोलिए वैसे तो हफ्ते भर के अंदर मिल जाती है, मैं ये सोच के बैठा था क्योंकि हमारे पिछले कॉन्डो में भी एक ही जिस दिन हम निकले थे उसी दिन सिक्योरिटी मनी दे दी थी, उससे पहले जिस कॉन्डो में रहता था उसमें भी मुझे उसी टाइम सिक्योरिटी मनी हाथ में दे दी थी। मुझे लगता है शी विल क्रिएट सम प्रॉब्लम ऑन 23rd।
I think. Like, oh, this is, look at the spots on the wall and all. According the way she is acting right now, weird. I think she will create problem. I think so. Are you sure? Well, let's see, but मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है. अब देखते हैं 23 तारीख को जो होगा. पर हाँ, आज हम मूव आउट हो चुके हैं. टुडे वी आर अनऑफिशियली मूव्ड आउट, राइट? ऑफिशियली 23 तारीख को मूव्ड आउट होंगे. बट घर नहीं जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं एसी खरीदने, क्योंकि एसी खरीदना है जो डेमी का नया घर है उसमें लगवाना है. तो अभी लंबे मतलब में खिंच जाएगा ब्लॉग, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देता हूँ. पर नया ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, जो उस ब्लॉग के बाद देखोगे तुम लोग, जिसमें डेमी का घर वर दिखाऊंगा और मूव इन करेंगे वो सब. तो और फ्यूचर में जो मैं लाइव स्ट्रीम चैनल खोलूंगा गेमिंग का, वो यहीं पे सब शूट होएगी. तो इसको मस्त मैं सजाऊंगा एकदम गेमिंग रूम की तरह. काफ़ी बड़ा रूम है.